स्वागत एक बार फिर से आपका। और अब अगले चार स्टॉक्स में, पहले दो स्टॉक्स देखिए क्रूड से रिलेटेड है, ONGC और HOEC। कल शाम तक ऐसा कुछ नहीं लग रहा था मुझे कि इन स्टॉक्स को हम अपनी टीम में रखेंगे, लेकिन सुबह जिस तरह की खबरें वो US की और यूक्रेन की, रशिया की छप रही हैं, वो उससे थोड़ा सा क्रूड में एक तेज़ी का माहौल बन सकता है और वो बनता हुआ दिख भी रहा है। $89 के आसपास क्रूड पहुँच रहा है, क्योंकि यूक्रेन में जो है फौज भेजी गई है और दूसरी तरफ से बहुत आशंकाएं चल रही हैं, बयानबाजी चल रही है, और US ने अपने कीव जो यूक्रेन की कैपिटल है वहाँ से अपने पूरे जो अधिकारी हैं उनकी फैमिली के साथ उनको वापस बुला लिया है। तो ये तनाव जो है ना, ये काफ़ी बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्रूड पे इम्पैक्ट इसलिए पड़ेगा क्योंकि यूक्रेन, रशिया और ये सब पूरे एनर्जी बास्केट वाली कंट्रीज है। तो मैं लगता है कि ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए ONGC और HOEC फ़ायदा हो सकता है। अपोलो पाइप्स और ग्रीन पैनल, ये दो कंपनियाँ इसलिए नहीं क्योंकि इनके आने रिजल्ट, और ये